तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अपना इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर नंबर 5 केमिस्ट्री का, ठीक है। तो केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 5 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आज हमको पढ़ना है। ये इस वीडियो का, इस चैप्टर का पार्ट नंबर 1 है। इसके बाद सारे पार्ट्स आते रहेंगे और आपको सारे लाइन टू लाइन वॉच करने हैं। क्लास 12th के लिए अपनी ये वीडियो होगी। आप देख रहे हो न्यू इंडियन एरा, और आप मुझसे यहाँ पे इंस्टाग्राम में कांटेक्ट कर सकते हो या फिर यहाँ पर भी कहीं पर भी। आपको सीधा हैंड रिटन नोट्स सारी की सारी मिल जाएंगी विद कॉन्सेप्ट। सेम नोट्स आप गाइज अपने एग्जाम में इस्तेमाल कर सकते हो और यू विल गेट फुल मार्क्स, ओके। और गाइज आपको बता दूं कि ये चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत मजा भी आएगा और बहुत ईजी चैप्टर है। आपको बस थोड़ा सा बताने वाला चाहिए और बाकी बहुत ईजी चैप्टर है। इसको अगर आप खुद से पढ़ोगे तो बहुत हार्ड लगेगा, लेकिन जब एक बार कोई बता देगा ना तो आपको बहुत चिंदी लगेगा ये, ठीक है। तो आज देखो आप बस, आप पूरा सिर्फ वीडियो वॉच करने का काम करो, ठीक है। नोट्स तो आपको मिली जाएगी, ठीक है। तो इतना याद रखना, बस कमेंट बॉक्स में बता देना कि आपको और कैसी वीडियो चाहिए, क्या चाहिए, सब आप बता सकते हो कमेंट बॉक्स आप लोग के लिए। चलो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस स्टार्ट करने से पहले इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ना है, केमिस्ट्री और इलेक्ट्रिसिटी। थोड़ा सा अजीब सा नहीं लग रहा है, फिजिक्स में इलेक्ट्रिसिटी होती है। खैर चलो देखते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। केमिस्ट्री में हमेशा केमिकल होता है, देखो वर्ड से ही समझो पहले इसका मीनिंग। इलेक्ट्रो और केमिस्ट्री, इलेक्ट्रिसिटी तो भाई फिजिक्स में होता है, देन केमिस्ट्री में इलेक्ट्रिसिटी कैसे? तो केमिस्ट्री में तो केमिकल की स्टडी होती है और इलेक्ट्रिसिटी फिर कैसे? तो इसका मतलब ये हुआ, थोड़ा दिमाग लगाओ, कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री यानी केमिकल के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू केमिकल, कुछ यही पढ़ना है। यानी रिलेशन या फिर मतलब चेंजेस बिटवीन द इलेक्ट्रिसिटी एंड केमिकल एनर्जी, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी इंटू केमिकल एनर्जी, और केमिकल एनर्जी इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यही हमको पढ़ना है पूरी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। मतलब इलेक्ट्रिसिटी और केमिकल, केमिकल और इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी केमिकल, केमिकल इलेक्ट्रिसिटी, यही हमको पूरा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ना है, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखना है। चलो आ जाओ पहला देख लो भाई रेडॉक्स रिएक्शन क्या होता है। सो गाइस ऑलरेडी वी नो दैट ऑक्सीडेशन रिएक्शन के बारे में, व्हाट वी नो दैट ऑक्सीडेशन एंड सेकंड वर्ड इज रिडक्शन, ठीक है। अब मैं गाइस आपको बच्चों वाली डेफिनेशन नहीं बताऊंगा कि ऑक्सीडेशन इज द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिडक्शन इज द मतलब रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, मैं ये अब नहीं बताऊंगा। अब आप देखो यहां पे सिंपल सी बात मेरी याद रखो, ऑक्सीडेशन मींस ऑलवेज रिमेंबर दैट लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये आपने 10th में भी पढ़ा है। और रिडक्शन मतलब होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, में भी आपको पता होगा तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक एक एग्जांपल भी दे देता हूं आपको, पहले यहां पे समझो अच्छे से। सपोज दैट सोडियम, गाइज आपको हजारों बार अगर आपने मेरी पूरी लगातार वीडियो देख रहे हो तो आपको ये पता ही होगा कि इलेक्ट्रॉन हमेशा लॉस कौन करता है, इलेक्ट्रॉन हमेशा लॉस मेटल्स करते हैं, कौन करते हैं मेटल्स, यानी कि सोडियम मैग्नीशियम फिर एल्युमिनियम जितने भी मेटल्स होते हैं सब मेटल्स हमेशा इलेक्ट्रॉन को इजीली लॉस कर देते हैं, डोनेट कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि अगर सोडियम ने यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया तो कैसे दिखेगा? सपोज दैट अगर हम साइड में लिख दिए इलेक्ट्रॉन, कभी भी प्लस के बाद वाली जो चीजें होती है ना वो आपका रिलीज होने वाली होती है, मतलब वो निकल चुकी है। तो इलेक्ट्रॉन आपने लॉस कर दिया तो यहाँ पे क्या बनेगा? सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब देखो जैसे कि आपके अंदर निगेटिविटी है यानी इलेक्ट्रॉन है, आपने इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया तो आपके अंदर क्या बचेगी? पॉजिटिविटी बचेगी ना। तो वैसे ही सोडियम ने जब एक इलेक्ट्रॉन भगा दिया तो उसके पास यहाँ पे Na प्लस आ जाएगा। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन। नाउ व्हाट अबाउट दिस रिडक्शन रिएक्शन? सो रिडक्शन रिएक्शन के बारे में गाइस समझ लो। अब देखो जैसे कि क्लोरीन है, क्लोरीन क्या करेगा? अब ये एक सिंगल सा इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, क्या करेगा? ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। सो ये क्या बनाएगा? आपको पता ही होगा ये बनाएगा Cl माइनस, बिकॉज इसने इलेक्ट्रॉन को गेन किया है। और जब इसने इलेक्ट्रॉन गेन किया है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज द रिडक्शन रिएक्शन। और हमेशा इलेक्ट्रॉन गेन कौन करता है? नॉन मेटल करते हैं, कौन करते हैं? नॉन मेटल, जैसे ऑक्सीजन हो गया, फ्लोरीन हो गया, ठीक है, ये सब के सब, जैसे कि और भी है क्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, सब हैलोजन के अंदर आते हैं, ठीक है, ऐसे बोरॉन हो गया, ठीक है। तो ये सब के सब इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं? गेन करते हैं। तो ये सब के सब रिडक्शन रिएक्शन करते हैं। अब गाइज यहाँ पे सुन लो अच्छे से कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन जब किसी भी सिंगल रिएक्शन में होता है ना तो उसी को हम क्या कहते हैं? रेडॉक्स रिएक्शन। यानी कि जब कोई भी रिएक्शन साइमल्टेनियसली किसी भी रिएक्शन में ऑक्सीडेशन एज वेल एज रिडक्शन दोनों साथ में हो तो उसे हम रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। ये बात आपको समझ के रखनी है, ठीक है। आपको एक नोट्स बन गई, यू कैन टेक स्क्रीनशॉट, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ व्हाट इज यूज ऑफ ड्राई सेल?
ठीक है, पहले ये समझो ड्राई सेल भाई एग्जैक्टली करता क्या है। ड्राई सेल का एग्जांपल देखो, हम लोग ने देखो फिरंगी घुमाते हैं ना, पता है ना, वो एक 5 रुपए की मोटर आती है, उसके ऊपर हम लोग कुछ पेपर वगैरह लगा के घुमाते हैं। आपने देखा भी, मैं तो अभी भी घुमाता हूँ, अगर मुझे मिल जाए तो मजा आता है। ठीक है, तो आपको पता होगा यही मोटर हम इस्तेमाल करते हैं और इसको रख दो धूप में तो अच्छा खासा चार्ज भी हो जाती है। ठीक है, चलो तो ड्राई सेल एग्जैक्टली करता क्या है। ओके, तो गाइस ड्राई सेल का कन्वर्जन का काम करता है, ये केमिकल एनर्जी जो आपके पास होती है, कौन सी एनर्जी, जो केमिकल एनर्जी, इसके अंदर केमिकल भरे होते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं मैं बताऊंगा, इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह होते हैं, तो केमिकल एनर्जी को गाइस ये कन्वर्ट करता है किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, किसमें, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी में ये कन्वर्ट करता है केमिकल एनर्जी को। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना है। तो यही है ड्राई सेल का यूजेस, कि ये केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकता है, यानी कि केमिकल से आपको इलेक्ट्रिसिटी मिल जाएगी। ठीक है, तो ये एक बहुत ही बेस्ट काम है इसका। ओके माय डियर, चलो तो ये आपको अच्छे से समझ गया होगा। अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं कि अपना आगे बहुत ही बेसिक चीजें बताऊंगा, तभी आप इस चैप्टर को समझ पाओगे। जो चीज बताऊंगा उसे सुनो ध्यान से और फिर समझो, दैट्स इट, और ज्यादा आपको कुछ करना नहीं है। केमिकल के थ्रू कैसा इलेक्ट्रिसिटी बन सकती है पहले ये सोचो। इसके अंदर ब्लैक कलर है, इसको फोड़ोगे ना तो अंदर ब्लैक कलर के केमिकल एकदम आपको मिलेगा, वहां से कैसे इलेक्ट्रिसिटी बनेगी यार, इलेक्ट्रॉन्स करंट कैसे प्रोड्यूस होता है, तो यही समझना है। तो इलेक्ट्रोलाइसिस नाम का एक प्रोसेस होता है, पहले ये समझो इलेक्ट्रोलाइसिस। फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस मतलब समझो, इलेक्ट्रो मींस क्या होता है, इलेक्ट्रो मींस इलेक्ट्रिसिटी यानी करंट या इलेक्ट्रॉन्स, लाइसिस मींस ब्रेक डाउन, ठीक है, यानी कि या इलेक्ट्रोलाइट्स भी आप कह सकते हो। तो इलेक्ट्रो यानी कि कुछ चीजें जिसे आपने लाइसिस किया, जिसका आपने ब्रेक डाउन किया, ठीक है, तो इलेक्ट्रो मींस इलेक्ट्रोलाइट्स, यानी कि देखो आपको थोड़ा सा एक चीज बता देता हूं, जैसे कि देखो बहुत सारी चीजें होती हैं, आयोनिक कंपाउंड के बारे में आप जानते ही रहोगे, ठीक है, किसके बारे में, मैंने एक बेसिक वीडियो बनाई है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की पूरे 2 घंटे की, प्लीज जाओ उसे अच्छे से वॉच कर लो, उसमें मैंने आयोनिक कंपाउंड के बारे में बताया है। ठीक है, आयोनिक कंपाउंड क्या होते हैं, जिसमें कि जिस जो कि आयोनिक बॉन्ड से बॉन्डेड होते हैं, किससे बॉन्डेड होते हैं, आयोनिक बॉन्ड से, ठीक है, ये बहुत ज्यादा स्ट्रांग होते हैं, ये भी आपको समझना है। दूसरी बात है, जैसे कि देखो ये एक मेटल और ये एक नॉन मेटल के बीच में इनकी बॉन्डिंग होती है, किसके बीच में, एक मेटल और नॉन मेटल के बीच में, जैसे कि देख लो अगर Na है तो प्लस और Cl है तो माइनस, ये दोनों कटायंस और अनायंस ऐसे होते हैं, इनके बीच में जो ये बॉन्डिंग है इसी को हम क्या कहते हैं, इसी बॉन्डिंग को हम आयोनिक बॉन्डिंग कहते हैं, समझा, तो ये आयोनिक बॉन्ड होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल NaCl है, अगर अब मैं इसको ब्रेक कर दूं, अगर मैं इसको ब्रेक कर दूं तो ये क्या बनाएगा, मुझे यही देगा ना, Na प्लस देगा और Cl माइनस देगा, ठीक है, ये बातें आपको समझ के रखनी है, यही देने वाला है ये, मतलब Na प्लस देगा और Cl माइनस देगा, यही देगा ना, ठीक है, तो इसी को हम इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं। ठीक है, ये Na प्लस Cl माइनस तो आयन्स है, फिलहाल ये भी इलेक्ट्रोलाइट्स हो सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, ठीक है, बट NaCl अपना इलेक्ट्रोलाइट्स है, ठीक है, ये बात आपको समझनी है। ठीक है, चलो हम अभी यहाँ पे देखते हैं, आगे बढ़ते हैं अपने कॉन्सेप्ट की तरफ। तो इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है, ब्रेकिंग डाउन ऑफ आयोनिक कंपाउंड्स, क्या होता है, ब्रेकिंग डाउन ऑफ आयोनिक कंपाउंड्स। अब आयोनिक कंपाउंड कौन कौन से है, तो जैसे कि NaCl हो गया, फिर MgCl2 हो गया, फिर ऐसे आपने सुना होगा AlCl3 हो गया, फिर ऐसे आपने MgO देखा होगा, ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ऐसे आपने NaO देखा होगा, सोडियम ऑक्साइड, ठीक है, तो ये सब के सब आपके आयोनिक कंपाउंड है, जिसमें कि एक मेटल और दूसरा नॉन मेटल का कॉम्बिनेशन होता है, तभी तो वो प्लस और माइनस बन पाएंगे, क्योंकि मेटल हमेशा इलेक्ट्रॉन लॉस करके प्लस बना देता है, पता है ना आपको, अभी भी तो बताया यार, भूल जाओगे क्या, तो अभी मेटल अपना इलेक्ट्रॉन लॉस करके प्लस बनाता है और नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन गेन करके निगेटिव बनाता है, अब यही पॉजिटिव निगेटिव में कॉम्बिनेशन हो जाता है और जिस बॉन्ड यहाँ पे जो क्रिएट होता है उस बॉन्ड को हम आयोनिक बॉन्ड कहते हैं। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो यही आयोनिक कंपाउंड ब्रेक होते हैं, जैसे कि अभी NaCl ब्रेक होगा तो Na प्लस Cl माइनस बनाएगा, MgCl2 ब्रेक होगा तो Mg प्लस और Cl माइनस दो बार बनाएगा, क्योंकि यहाँ पे Cl2 है। ठीक है, तो जब भी कभी भी आप आयोनिक कंपाउंड को ब्रेक करते हो तभी आपको इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, ये आपको समझना है, बट कैसे, अभी भी यही क्वेश्चन है कि कैसे क्रिएट होती है। ठीक है, चलो आगे देखेंगे अभी। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइसिस बेसिकली करता क्या जानते हो, ये ना इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है केमिकल एनर्जी में, मतलब इलेक्ट्रोलाइसिस के थ्रू आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो होती है उसको कन्वर्ट कर सकते हो केमिकल एनर्जी में। आप बोलोगे वाओ ये तो बहुत अच्छी बात है यार, मतलब कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी, करंट, आपका जो करंट है उसको आप केमिकल में कन्वर्ट कर सकते हो, केमिकल एनर्जी में आप उसे कन्वर्ट कर सकते हो। बोलोगे कैसे हो सकता है ये, देखो पहली बात, अब सपोज दैट आपके पास सामने एक सॉल्यूशन है, अब आपकी बुक में ऐसा बताया नहीं है, ठीक है, आप बस रीड करोगे तो समझेगा, ये चीज अगर आई नहीं ना तो आगे का आप कुछ नहीं समझ पाओगे, मैं पहले ही बोल रहा हूं। ठीक है, चलो सपोज दैट ये आपके पास एक बीकर है, बीकर के अंदर आपने NaCl लेके रखा जो कि एक आयोनिक कंपाउंड है, अब देखो मुझे इसको ब्रेक करना है,
तो अब यहाँ पे क्या करूंगा, मैं इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराऊंगा इस सॉल्यूशन में से, जो ये सॉल्यूशन है पूरा NaCl का, सोडियम क्लोराइड इसे कहते हैं, इसके अंदर मैं क्या करूंगा इलेक्ट्रिसिटी पास कराऊंगा। जब गाइस मैं इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास कराऊंगा तो ये क्या होगा, जैसे मैं इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास कराऊंगा तो इसके अंदर Na और जो Cl है, Na और Cl ये ब्रेक हो जाएंगे, NaCl ब्रेक हो जाएंगे, Na+Cl- में ऐसे आयंस बन जाएंगे, एक पॉजिटिव कटायन निगेटिव अनायन बन जाएगा, ठीक है। और इसी को हम एक्वेस या फिर मोल्टन सॉल्यूशन कहते हैं, मोल्टन, मोल्टन मीन्स एक पिघला हुआ, यानी कि एक लिक्विड के फॉर्म में जिसके अंदर के आयंस ब्रेक हो चुके हो, जिसके अंदर के आयंस ब्रेक हो चुके हो। देखो ना, इसके अंदर के पूरा NaCl था, पूरा ब्रेक हो गया। कब ब्रेक हुआ, जब आपने इलेक्ट्रिसिटी पास करा दी, ठीक है। जैसे आपने इलेक्ट्रिसिटी पास कराई तो अंदर के जो ये आयोनिक कंपाउंड ये ब्रेक हो गए, यानी कि इन इलेक्ट्रोलाइट्स का लाइसिस हो गया। लाइसिस मींस ब्रेक डाउन, क्या हो गया, लाइसिस मींस ब्रेक डाउन, यानी कि इन आयोनिक कंपाउंड का लाइसिस हो गया, ठीक है। लाइसिस मंजे का ब्रेक डाउन होते हैं, ओके। सो जैसे ही तुमने इलेक्ट्रिसिटी पास कराया वैसे इनका क्या होगा, लाइसिस यानी कि ब्रेकिंग डाउन, यानी इनका ब्रेक हो गया। और जैसे ही इनका ब्रेक हुआ तो इलेक्ट्रोलाइट्स बन गए, क्या बन गई है, इलेक्ट्रोलाइट्स, दीज आर दी इलेक्ट्रोलाइट्स, प्लस एंड माइनस इलेक्ट्रोलाइट्स, यानी कटायंस एंड अनायंस इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है। तो ये आपका इलेक्ट्रोलाइट्स में कन्वर्जन हो गया। अब मैं इसे क्या कहूंगा, अपना इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन कहूंगा। मैं क्या कहूंगा इन्हें, अभी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन कहूंगा, क्योंकि अपने आयोनिक कंपाउंड जैसे हमने इलेक्ट्रिसिटी पास की तो लाइसिस हो गया। इसी प्रोसेस को इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं, यानी कि इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है, व्हेन यू विल पास इलेक्ट्रिसिटी ऑन द एनी एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ आयोनिक कंपाउंड्स, देन दैट इलेक्ट्रिसिटी विल ब्रेक दीज आयोनिक कंपाउंड्स एंड फॉर्म्स एन एनी इलेक्ट्रोलाइट्स और रिलेटेड इलेक्ट्रोलाइट्स। यानी कि जैसे कि अगर आप NaCl को ब्रेक करोगे विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी तो ये Na+Cl- में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी ब्रेक हो जाएगा। अगर आप यही HCl लेते तो क्या कन्वर्ट होता, H+ और Cl- में इनका ब्रेक डाउन हो जाता। समझ गया कि नहीं, तो इस तरीके से इनका ब्रेकिंग डाउन हो जाता है, ओके। यानी कि देखो अभी प्लस और माइनस चार्ज लेके रखे अपने अगल बगल, ठीक है। तो यही होता गाइस, देखो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को आपने केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया, आपने इलेक्ट्रिसिटी पास की और ये पूरा केमिस्ट्री यहाँ पे केमिकल एनर्जी बन गई, और इसी सॉल्यूशन को हम इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन कहते हैं। ये नाम याद रखो, आप जब रीडिंग करोगे टेक्स्ट बुक को ना तो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन आपको समझेगा। इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन मतलब वो जिसमें कि आपके अंदर कोई भी आयोनिक कंपाउंड को आपने ब्रेक कर दिया हो, ठीक है, और अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स भरे हो, यानी कि ब्रेकड फॉर्म में कटायंस और अनायंस भरे हो, ऐसे सॉल्यूशन को हम इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन कहते हैं, या तो आप मोल्टन या फिर एक्वेस भी कह सकते हो, ठीक है। अब आपको समझ गया होगा कि एग्जैक्टली भाई मोल्टन क्या होता है, जिसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स ब्रेकड फॉर्म में हो, ठीक है। और इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस से आप क्या कर सकते हो, आप किसी भी आयोनिक कंपाउंड को ब्रेक कर सकते हो बाय पासिंग द इलेक्ट्रिसिटी, और जैसे आप इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे तो अंदर क्या हो जाएगा, अंदर के सारे जो भी आयोनिक कंपाउंड होंगे ब्रेक हो जाएंगे और इलेक्ट्रोलाइट्स बना देंगे, ठीक है, यानी केमिकल में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। चलो तो आपको अच्छे समझ चुका है इलेक्ट्रोलाइसिस का मतलब। तो अब देखो यही चीज, जो इलेक्ट्रोलाइट्स बने ना, यही हमें हेल्प करेंगे वापस इलेक्ट्रिसिटी बनाने में। कैसे बनाएंगे हम आगे देखेंगे, ये सब सेल, ड्राई सेल हो, फ्यूल सेल हो, इन सब में हम ज्यादा फोकस करेंगे जब ये इलेक्ट्रोलाइट्स बन जाएंगे ना। आपको भी समझ गया इलेक्ट्रोलाइट्स कैसे बनता है, आगे चल के सेल्स में इसका इस्तेमाल करेंगे हम लोग, बहुत आसान है। चलो एग्जैक्टली हमारी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या होती है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एक ऐसा, वही बताया ना कि इलेक्ट्रिसिटी और केमिस्ट्री, यानी केमिकल और इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है, इन्हीं दोनों का इंटर कन्वर्जन, यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी और केमिकल एनर्जी का एक दूसरे में ट्रांसफॉर्मेशन यानी कन्वर्जन, ठीक है। तो बाय विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी, जिसमें से इलेक्ट्रिकल केमिकल में और केमिकल इलेक्ट्रिकल में जिस प्रोसेसेस के थ्रू कन्वर्ट होती है, उन्हीं प्रोसेसेस की स्टडी क्या होती है, अपनी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कहलाती है। समझ गया ना, मतलब कि देखो क्या आपको बोल रहा हूं जानते हो ना। अभी देखो आपको यहां पे दिखाया, देखो इसमें देखो हमने इलेक्ट्रिसिटी पास की, ये केमिकल बन गया, केमिकल से फिर से इलेक्ट्रिसिटी बनेगी, वो इलेक्ट्रिसिटी फिर से हम किसी सॉल्यूशन में उसको ब्रेक करने के लिए इस्तेमाल करेंगे, वापस से यहाँ पे केमिकल बनेगा, इलेक्ट्रोलाइट्स बनेंगे, और इन इलेक्ट्रोलाइट्स का इस्तेमाल हम वापस से इलेक्ट्रिसिटी बनाने में करेंगे। अभी हम आगे करेंगे, क्या है टेंशन ले रहे हो, पहले मेरी बात सुनो तो अच्छे से, ठीक है। अभी तो हमको जानना पड़ेगा कि भाई एग्जैक्टली इलेक्ट्रिसिटी क्या है, वही हमको जानना है। पहले ये तो समझो, इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो केमिकल ब्रेक होके यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट्स बनाएगा, इलेक्ट्रोलाइट्स से वापस से हम इलेक्ट्रिसिटी बनाएंगे, फिर इलेक्ट्रिसिटी से वापस से हम केमिकल को ब्रेक करके केमिकल बनाएंगे, यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट्स बनाएंगे। तो यही जो स्टडी हम कर रहे हैं, यही इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की स्टडी कर रहे हैं। समझ गया अच्छे से। चलो ना एग्जैक्टली भाई व्हाट इज करंट, अब करंट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना है तो करंट के बारे में तो जानना ही पड़ेगा ना, ठीक है। तो पहले तो जान लो कि इलेक्ट्रिसिटी क्या है,
व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। आप बोलोगे सर ये करंट और इलेक्ट्रिसिटी में हमको बहुत कंफ्यूजन होता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिसिटी भाई कुछ और नहीं, फ्लो और मूवमेंट, मूवमेंट ऑफ चार्ज होता है। क्या होता है? फ्लो और मूवमेंट ऑफ चार्ज, यही होती है इलेक्ट्रिसिटी। जब कभी भी कोई भी चार्ज फ्लो होगा या तो मूव होगा तभी आपको इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी, तभी आपकी क्या होगी, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। ये बातें आपको समझ के रखनी है, और अगर ऐसा नहीं है तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं होगी। अब फ्लो या फिर चार्जेस का मूवमेंट कहाँ होता है? तो चार्जेस का मूवमेंट ओनली मेटल में होता है, ठीक है। और इसीलिए मेटल ही क्या होते हैं, आपको पता होगा ये कंडक्टर होते हैं, ठीक है। इसीलिए सिर्फ मेटल से ही इलेक्ट्रिसिटी ज्यादातर पास होती है, क्योंकि मेटल के अंदर ही जो चार्जेस होते हैं वो फ्लो कर सकते हैं। गाइज आपको एक बात बता दूं कि यू कांट डिफाइन द चार्जेस, चार्ज को आप डिफाइन नहीं कर सकते, क्योंकि ये खुद एक फंडामेंटल फेनोमेनन है। यानी कि चार्ज से ही दूसरी चीजें बनती हैं, चार्ज खुद किसी से नहीं बनता। जैसे कि आपको बोलूं मास को डिफाइन करो, तो यू कांट डिफाइन मास, मास खुद ही एक फंडामेंटल एक फेनोमेनन है, इससे दूसरी चीजें बनेंगी, ठीक है। जैसे कि वेट बनेगा, इससे वेट इज इक्वल टू एमजी होता है, ठीक है। तो ये मास से बनेगा, मास किसी से नहीं बनता है, मास खुद एक ऐसा चीज है जो डेफिनेशन बनाने का काम करता है, मास की कुछ डेफिनेशन नहीं है, ठीक है। ये जस्ट एक फंडामेंटल फेनोमेनन्स होते हैं, ऐसे चार्ज भी। हाँ, चार्ज के टाइप होते हैं पॉजिटिव और निगेटिव, ये थोड़ा सा आपको याद रखना है। तो इन्हें ये चार्ज सबके अंदर होते हैं, जैसे कि मेटल के अंदर, नॉन मेटल के अंदर, सभी के अंदर ये चार्जेस होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट चार्जेस डिफरेंट डिफरेंट मेटल नॉन मेटल के अंदर, ठीक है। जब इनका फ्लो होगा या मूवमेंट होगा तभी आपकी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। यानी कि अब चलो देखते हैं करंट के बारे में, करंट भी कुछ सेम ही है और इलेक्ट्रिसिटी ही तो करंट है, ठीक है। चलो अभी समझते हैं। तो अभी यहाँ पे आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर कर देना है कि भाई एग्जैक्टली करंट क्या होता है। आप चाहो तो रीड कर लो, मैं आपको थोड़ा बताना चाहूंगा, यहाँ पे ध्यान देना। सपोज दैट यू हैव एनी एलिमेंट, ठीक है, मेटल यानी कंडक्टर रहेगा आपके पास, कंडक्टर के अंदर बहुत सारे यहाँ पे एटम होंगे, क्या होंगे, एटम होंगे, बहुत सारे आपके पास यहाँ पे एटम होंगे। मे भी आपको ये बात पता हो, नहीं पता है तो जिसको नहीं पता मैं उसके लिए बता रहा हूं, जिसे पता है तो वो सब जानता है भाई, तो फिर वो वीडियो क्यों देख रहा है, ठीक है। चलो ऐसे ही आपका बहुत बड़ा मेटल है, आप जानते हो ना मेटल आपके पास ऐसे होते हैं। अब इन मेटल्स के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में आपको दिखाता हूं मैं यहाँ पे, ठीक है। ये सपोज दैट ये आपके पास ऐसा है, कोई भी एक आपके पास कोई भी एक एटम है, इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रॉन ये लॉस कर दिया, सपोज दैट इसने इलेक्ट्रॉन को भगा दिया, क्योंकि जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट होता है, ये बाहर की ऑर्बिट को हम आउटर मोस्ट ऑर्बिट कहते हैं, ठीक है। मैंने एक बेसिक वीडियो बनाई है 2 घंटे की, उसे जाओ यार देख लो, ठीक है। तो एक आउटर मोस्ट ऑर्बिट जो होता है, इसमें जो भी इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं ना, तो वो न्यूक्लियस से लूजली बाउंडेड होते हैं, यानी कि न्यूक्लियस उन्हें ज्यादा अट्रैक्ट कर नहीं पाता है। तो क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट से बाहर भाग जाएंगे, यानी कि ऐसा बाहर आ जाएगा। अब ये फ्री हो गया, निगेटिव चार्ज तो इसके पास है, ठीक है। देखो E और माइनस लिखा हुआ है ऐसा, ठीक है। तो ये जो ये माइनस साइन है, ये आपका क्या है, निगेटिव चार्ज है, कैसा चार्ज है, निगेटिव। एंड जो ये E है, ये आपका क्या है, चार्ज कैरियर, ये आपका चार्ज कैरियर है, ठीक है। इस चीज को आपको समझना है। तो ये दोनों का आपको फंडा समझ गया होगा, ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन जो कि निगेटिव चार्ज कैरी करके रखता है, ये टोटली फ्री हो जाता है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट से बाहर निकल जाएगा, क्योंकि न्यूक्लियस उसे बाउंड नहीं कर पाता है, न्यूक्लियस उसे अपने तरफ खींच नहीं पाता है, तो वो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है और वो फ्री बन जाता है। तो ऐसे ही मेटल के अंदर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स, हर एक एक सिंगल सिंगल एटम के एक एक इलेक्ट्रॉन, दो दो इलेक्ट्रॉन ऐसे बाहर निकल जाते हैं, ऐसे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन बाहर फ्री हो जाते हैं, समझ गया। और वो बोलते हैं ना, जैसे किसी को घर से बाहर निकाल दो तो कैसा, एकदम मस्त मस्ती में घूमेगा, कोई उसको गाइड करने वाला नहीं है, कोई डिसिप्लिन नहीं, मस्त घूमते रहो, क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। तो वैसे ये इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन ना गाइस कैसा भी अंदर घूमते रहते हैं, ये जो चार्जेस है आप देखो, इलेक्ट्रॉन मंजे का है, इलेक्ट्रॉन मंजे मंजे निगेटिव चार्जेस, ठीक है, इलेक्ट्रॉन मंजे निगेटिव चार्जेस। तो ये देखो बस, अब जब फ्री हो गए तो किधर भी घूमेंगे। अब मैंने उस एटम को भगा दिया, मैंने एटम को यहाँ पे दिखाया नहीं है, मैंने यहाँ पे एटम को दिखाया नहीं, आप बोलना मत कि सर एटम किधर गया अपना, ठीक है, ऐसा नहीं। अब ये इलेक्ट्रॉन्स किधर भी घूम रहे हैं, किधर भी घूम रहे हैं, ऐसा इनको कोई पूछने वाला ही नहीं है, ठीक है। और इस एटम ने इनको धक्के मार के बाहर भगा दिया था, तो अब इनको आएगी गुस्सा, बोलेंगे भाई हमको बाहर निकाल दिया, अब हम तो कुछ करके दिखाएंगे। तो ये क्या, अब देखो होता क्या है, बस इनको देखो, बोलते ना जो जो मतलब इसको कोई साथ नहीं दे रहा, तो बस उसको एक टीचर की जरूरत पड़ती है,
कोई एक सिखाने वाला मिल जाए तो उसकी लाइफ एकदम चमक जाती है। अब ये फ्री हो गए, इनको एटम ने साथ नहीं दिया, इनको बाहर अपने आउटर मोस्ट ऑर्बिट से भगा दिया, लूजली बाउंडेड थे तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए, ये सब के सब फ्री बन गए, तो किधर भी देखो घूम रहे हैं। अब बस इनको एक गाइड करने वाला कोई चाहिए जिससे कि ये एक लाइन में आ जाए। तो क्या होता है ना कि हम लोग इसमें थोड़ा सा एक बैटरी से या किसी पोटेंशियल के थ्रू कुछ भी इसमें कनेक्ट कर देते हैं जो कि इनको गाइड कर सके, ठीक है। चलो ऐसा हम इसमें कनेक्ट कर देते हैं, ये आपका निगेटिव है और ये आपका पॉजिटिव है, ठीक है। चलो ऐसा हम यहाँ पे कनेक्ट कर देते हैं। मेरी बातों को ध्यान देना गाइस, यहाँ पे आप जिन बच्चों ने फिजिक्स का करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा होगा, बहुत लोगों ने कहा करंट का फ्लोटेशन सर आपने पॉजिटिव निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव ऐसे किया है, थोड़ा समझो यहाँ पे, वो सब सही है। यहाँ पे देखो पहले, ठीक है, ध्यान समझना। तो जैसे ही आप यहाँ से पॉजिटिव निगेटिव बैटरी कनेक्ट करोगे तो करंट का पोजिशन, करंट का मूवमेंट, यानी जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन अभी करंट रुक जाओ, इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट निगेटिव से पॉजिटिव हमेशा होता है। तो ये सारे जो भी आपके पास यहाँ पे इलेक्ट्रॉन दिए हुए हैं तो ये सब जानते हो क्या हो जाएंगे, रुको आपको बस दिखाता हूं, ठीक है। ये सबके सब, ये जितने भी हैं यहां पे, ये सबके सब आपको थोड़ा समझना है, ठीक है, चलो ध्यान दो, ये सबके सब इलेक्ट्रॉन्स एक डायरेक्शन में आ जाएंगे, ठीक है। ये सबके सब इलेक्ट्रॉन्स इस तरीके से फ्लो होने लगेंगे, मेरी बातों को समझो, आपको मे बी ये पता भी हो, ये सबके सब एक डायरेक्शन में फ्लो होने लगेंगे, सबके सब इलेक्ट्रॉन एक डायरेक्शन में फ्लो होने लगेंगे, समझ गया कि नहीं समझ गया। ये इलेक्ट्रॉन का फ्लोटेशन इस तरीके से होने लगेगा, और अभी अभी मैंने क्या बताया कि फ्लो ऑफ, क्या बताया मैंने अभी, फ्लो और मूवमेंट ऑफ द चार्जेस इलेक्ट्रिसिटी, या फिर फ्लो ऑफ फ्री चार्जेस पर यूनिट टाइम इज द करंट। तो गाइज अभी अभी आपने यहाँ पे देखा कि अगर सपोज दैट इलेक्ट्रॉन्स, अगर सपोज दैट यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, सो जैसे इलेक्ट्रॉन्स यहां से मूव करेंगे या फ्लो करेंगे तो इसमें क्या होगी, इस पूरे सर्किट में, इन वायर्स में, जो यहाँ पे वायर मैंने कनेक्ट की है, इन वायर में क्या होगा, यहाँ पे करंट प्रोड्यूस होगा। तो करंट का डायरेक्शन कैसे होगा, तो कभी भी याद रखना कि जब कभी भी निगेटिव से जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कभी भी निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ इधर जा रहे हैं, देखो ना यहाँ पे निगेटिव इधर से और ऐसे पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं। बट वट अबाउट करंट, करंट हमेशा पॉजिटिव से, यहाँ पे ध्यान दो अच्छे से, ऐसा करंट हमेशा ऐसा जाएगा, करंट हमेशा पॉजिटिव से निगेटिव जाएगा, कैसा जाएगा करंट हमेशा पॉजिटिव से निगेटिव। तो ये आपका हो गया करंट और ये आपके इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट। तो ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूं, इलेक्ट्रॉन हमेशा कैसे मूव करता है, निगेटिव टू, यहाँ पे अच्छे से मैं लिख देता हूं, ठीक है, निगेटिव टू पॉजिटिव, ठीक है, कैसा करंट हमेशा निगेटिव टू पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन्स, और करंट कैसे मूव करता है, पॉजिटिव टू निगेटिव, ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ओके। तो इस तरीके से गाइस आपको समझना है, जैसे ही इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे फ्रॉम निगेटिव टू पॉजिटिव इस सर्किट में करंट प्रोड्यूस होगा, लेकिन उस करंट का डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन के अपोजिट रहेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो निगेटिव से पॉजिटिव और जो करंट होगा वो पॉजिटिव से निगेटिव फ्लो होगा, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ऐसे जा रहे हैं तो करंट आपका ऐसे फ्लो होगा, समझ गया अच्छे से। तो यही बातें यहाँ पे होती है, यानी करंट आपका प्रोड्यूस हो गया। सो व्हाट इज द करंट, तो करंट क्या होता है, फ्लो ऑफ फ्री चार्जेस और निगेटिव चार्जेस, आप कह सकते हो एग्जैक्टली इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज ही तो होता है और मेटल्स में इलेक्ट्रॉन ही होते हैं, तो हम फ्री चार्जेस ना कहके निगेटिव फ्री चार्ज कहेंगे, ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। तो फ्लो ऑफ निगेटिव फ्री चार्ज पर यूनिट टाइम, यूनिट टाइम का मतलब होता है, यूनिट मतलब क्या कि या तो 1 मिनट या तो 1 सेकंड या तो 1 आवर, आप क्या लेते हो आपके ऊपर डिपेंड, या तो 1 डे 1 ईयर, यूनिट मतलब 1, ठीक है। चलो तो यही होता है करंट, यानी करंट मतलब क्या कि I इज इक्वल टू चार्जेस पर यूनिट टाइम, यही आपका हो गया, ठीक है, यानी कि फ्लो ऑफ चार्जेस पर यूनिट टाइम इज इक्वल टू करंट, यही होता है आपका करंट, ठीक है। इस चीज को आपको समझनी है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है करंट का मतलब, ये चीजें 9th के बच्चे जानते हैं, ठीक है, ये आपको समझ चुका है अच्छे से। अब आपको कुछ बताने वाली चीज यहाँ पे नहीं है, आप एग्जैक्टली करंट जान चुके हो। तो पहली बात तो आपने समझा, क्योंकि भाई करंट क्या होता है, फ्लो ऑफ फ्री चार्जेस और रेट ऑफ फ्लो ऑफ फ्री चार्जेस पर यूनिट टाइम, यही होता है ना। तो आपने जाना कि पहले फ्री इलेक्ट्रॉन्स किस तरीके के होते हैं, फिर वो फ्री इलेक्ट्रॉन किधर भी रैंडमली मूव करते हैं, उनको हमें एक डायरेक्शन में मूव कराना होता है, तो हम यहाँ पे कोई भी एक बैटरी यानी पोटेंशियल, पोटेंशियल मतलब जानते हैं ना क्या होता है, क्षमता, एबिलिटी, ठीक है, वही होती है पोटेंशियल, चार्जेस की पावर, एबिलिटी, क्षमता, कैपेसिटी आप कह सकते हो, ठीक है। तो यही बैटरी हमने यहाँ पे डाला, निगेट जैसे ही हमने बैटरी इनमें इलेक्ट्रॉन्स में अटैच किया तो ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, मूव करना स्टार्ट करेंगे। फिलहाल यही है, मैंने इसको दिखाया है, ऐसा एटम को मैंने हटा दिया, यहाँ पे दिखाया इस तरीके से, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन ऐसे ही इसके अंदर ही घूमने लगेंगे। जैसे आप इसमें कनेक्ट करोगे ना यहाँ पे ऐसे, जैसे आप यहाँ पे कनेक्ट करोगे ना, तो ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स यहीं पे ऐसे घूमने लगेंगे, वो एटम बीच में रहेंगे, उसका कोई टेंशन नहीं, वही तो रेजिस्टेंस प्रोड्यूस करते हैं, आपको पता है ना, जो आर होता है रेजिस्टेंस, ये एटम ही तो प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। जब वो इलेक्ट्रॉन भागेगा तो ये एटम रोकने लगते हैं उसको भागने से,
तो वही होता है रेजिस्टेंस, ठीक है। तो फिलहाल अभी समझो यहाँ पे, तो निगेटिव से पॉजिटिव में इलेक्ट्रॉन भागने लगेगा, और जब भागेगा तो मूवमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स और फ्लो ऑफ द चार्जेस और निगेटिव चार्जेस पर यूनिट टाइम क्या होता है, करंट होता है। तो जैसे इलेक्ट्रॉन भागेंगे चार्जेस होते हैं, निगेटिव चार्जेस होते हैं, जैसे ही भागेंगे तो यहाँ पे करंट प्रोड्यूस होगा, बस डायरेक्शन याद रखना, ठीक है। तो ये बातें आपको अच्छे से समझ के रखनी है, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी था। चलो अब गाइस हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलो यहां पे आ जाओ, अब इलेक्ट्रिकल कंडक्शन के बारे में जानना है। तो इलेक्ट्रिकल कंडक्शन दो टाइप का होता है, या तो एक मेटालिक कंडक्शन होगा या तो फिर एक आपका आयोनिक कंडक्शन होगा। इन दोनों के बारे में थोड़ा जान लो, क्योंकि बहुत ज्यादा जरूरी है। ये नहीं जानो कि आगे का चैप्टर समझेगा ही नहीं आपको, वो तो आपको भी मालूम ही है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल कंडक्शन दो टाइप का, एक होता है मेटालिक यानी मेटल्स के थ्रू, जैसे कि अभी हमने जो देखा, और एक होता है आयोनिक, जो कि आयोनिक कंडक्शन यानी कि जो ये इलेक्ट्रोलाइट्स यानी कि Na+Cl- वाला जो हमने देखा था ना, निगेटिव कटायंस अनायंस के थ्रू, यानी वही जो आपका पॉजिटिव और आपका जो निगेटिव था चार्जेस उसके थ्रू आयोनिक कंडक्शन। और मेटालिक मतलब जो अभी हमने देखा, ये मेटल के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट, फिर करंट इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन, तो ये इस तरीके से मेटालिक कंडक्शन हो गया। वैसे भी आपने इसे सॉलिड स्टेट चैप्टर में पढ़ा है, मेटालिक कंडक्शन के बारे में, मेटल्स के बारे में। इनमें क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, वो डायरेक्टली फ्लो होते हैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में, और यही आपका मेटालिक कंडक्शन होता है, ठीक है। यही इसमें आपका मेटालिक कंडक्शन में होता है। इलेक्ट्रॉन देखो ना यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है बताओ ना, एक पॉइंट से, ये आपका पहला पॉइंट हो गया, इस पॉइंट से दूसरे पॉइंट में इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं, और जब तक इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे तब तक करंट आपका प्रोड्यूस होते रहेगा। यानी इलेक्ट्रॉन इधर भाग रहा है तो करंट इधर भागेगा बस, और यही करंट को हमें चाहिए होता है, इसी से हमारी लाइट, टीवी, मोबाइल चार्ज सब होते हैं, ठीक है। ये आपको समझना है। तो ये आपका मेटालिक कंडक्शन होता है, जिसमें कि इलेक्ट्रॉन्स डायरेक्टली एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में मेटल में घूमते हैं। बट व्हाट अबाउट आयोनिक कंडक्टर? आयोनिक कंडक्टर गाइस हमेशा, जैसे कि यहां पे मूवमेंट ऑफ चार्जेस से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, वैसे इन द केस ऑफ आयोनिक कंडक्शन मूवमेंट ऑफ आयोन्स के थ्रू। आयन्स कितने टाइप के होते हैं? एक होता है आपके पास, आपको पता है, कटायन, और एक होता है अनायन, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, यानी कि एक निगेटिव चार्ज वाला, एक पॉजिटिव चार्ज वाला। जब किसी भी आयोनिक कंपाउंड को, जैसे कि NaCl को आयोनिक कंपाउंड है, इसको ब्रेक करोगे तो क्या बनाएगा? ये Na+ वाला और एक बनाएगा Cl- वाला। इन दोनों का जब आयोन्स है, जो कटायंस यानी अनायंस, कटायंस यानी अनायंस, इन दोनों का जब मूवमेंट होगा ना, तभी आपकी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। ये जब मूव करेंगे तब प्रोड्यूस होगी। यानी कि इन द केस ऑफ मेटालिक कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होता है, तब जाके मेटालिक कंडक्शन होता है, यानी कि मेटल्स के अंदर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। बट इन द केस ऑफ आयोनिक कंडक्शन, यहां पे होता है आयन्स का मूवमेंट, यानी कि इलेक्ट्रोलाइट्स का। जो इलेक्ट्रोलाइट्स है ना, जैसे कि देखो Na और Cl, ये दोनों इलेक्ट्रोलाइट्स हो गए। अब इस Na का कौन सा आयन है? पॉजिटिव आयन है, और क्लोरीन का कौन सा आयन है? निगेटिव आयन है। तो इन्हीं आयन्स का जब मूवमेंट होगा ना, तब जाके इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, इन द केस ऑफ आयोनिक कंडक्शन, ठीक है। चलो अब गाइस आपको बता दूं कि सपोज दैट आपके पास एक ये आपके पास बीकर है, और इस बीकर में आपके पास यहाँ पे Na+ और Cl- बहुत सारे हैं। तो इन आयन्स का यानी पॉजिटिव निगेटिव चार्ज का अगर मूवमेंट होगा, तो ये इन चार्ज कैरियर यानी कि Na और Cl- भी मूव होंगे, ऑब्वियस सी बात है, भागेंगे। कैसे भागेंगे आगे बताऊंगा, थोड़ा रुक जाओ, ऊपर हम यहाँ पे बैटरी वैटरी कनेक्ट करते हैं, टेंशन काहे ले रहे हो, ठीक है। तो ये Na और Cl दोनों भागेंगे, दोनों मूव करेंगे, यानी कि सोडियम एक मैटर है और क्लोरीन भी एक मैटर है। मैटर मतलब समझते हैं ना, सॉलिड, लिक्विड और गैस, ये मैटर होते हैं। तो ये मैटर है, यानी कि जब कभी भी आयन्स भागेगा तो उसके साथ साथ मैटर भी भागेगा, यानी कि इनमें ट्रांसफर ऑफ मैटर भी इन्वॉल्व होता है। बट इन दिस केस नो ट्रांसफर ऑफ मैटर, क्या इनके अंदर नो ट्रांसफर ऑफ मैटर, इनमें मैटर ट्रांसफर नहीं होता, इनमें मैटर के अंदर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है, जैसे कि आयरन के अंदर ही इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं। बट इन द केस ऑफ आयोनिक कंडक्शन, यहाँ पे मैटर खुद ट्रांसफर होता है, यानी कि सोडियम, क्लोरीन या मैग्नीशियम होगा तो मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम होगा तो एल्यूमिनियम, ये खुद ट्रांसफर होते हैं। यानी इन द केस ऑफ आयोनिक कंडक्शन मैटर खुद ट्रांसफर होता है, और इसी को हम केमिकल चेंज कहते हैं, क्योंकि सोडियम, मैग्नीशियम, मैटर ही भाई इधर से उधर जा रहा है, तो फिर केमिकल चेंज हुआ ना ये, ठीक है। तो इस चीज को आपको समझना है, दोनों आप जान चुके हो, चलो आगे बढ़ते, थोड़ा सा यहाँ पे और अच्छे सीख लो। इलेक्ट्रोलाइट्स और नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं, ये जानना बहुत जरूरी है, तभी तो आप आगे का सब कुछ समझ पाओगे। इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होता है और नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होता है, पहली बात ये समझो। तो गाइस एक बात बता दूं कि इलेक्ट्रोलाइट्स के अंदर चार्जेस पॉजिटिव और निगेटिव इस तरीके के होते हैं, ये बात आपको समझ के रखना है। और जिसके पास ये पॉजिटिव और निगेटिव चार्जेस है, वो आयन्स होते हैं। ये पॉजिटिव यानी कटायन, ये निगेटिव यानी अनायन, ठीक है। तो जब ये आयन्स है, तो इनमें से ये आयन्स मूव करेंगे तो आयोनिक कंडक्शन होगा, अभी अभी हमने देखा आयोनिक कंडक्शन होगा। और इलेक्ट्रोलाइट्स के पास ही ये आयन्स होते हैं, तो यानी कि इनकी कंडक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है। आपको पता है वाटर यानी H2O, आपको मैं यहाँ पे थोड़ा सा दिखाता हूँ, थोड़ा सा यहाँ पे ऐसे आपको समझ जाएगा ऑटोमेटिकली।
थोड़ा सा यहाँ पे लिख के दिखाता हूँ, ठीक है। H2O इसको ब्रेक करोगे तो H प्लस आयन बनता है और OH माइनस आयन बनता है। अब बोलोगे सर इसके पास भी तो आयन्स है, बोलोगे भाई इसके पास भी आयन्स है H प्लस और OH माइनस, तो इनके अंदर भी आयोनिक कंडक्टिविटी होनी चाहिए ना, इनके अंदर भी आयोनिक कंडक्टिविटी होनी चाहिए, यानी कि आयोन्स तो इनके पास भी है, ये आयोन्स में मूव करेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना मांगता है, तो ऐसा नहीं होता। नहीं तो आप पानी जितने बार छूते उतने बार आपको शॉक लगेगा, ऐसा होता है क्या? नहीं होता है, ठीक है। सो कभी भी वाटर एक न्यूट्रल है, इसमें से कभी भी कोई भी कनेक्टिविटी नहीं होती है, ये बात आपको समझनी है, ठीक है। तो इसीलिए हम हमेशा किससे कंपेयर करते हैं, वाटर से। जिसकी कनेक्टिविटी वाटर से ज्यादा है उसकी वो उसका वो करंट हमें मारेगा, उसका करंट हमें पता चलेगा, लेकिन वाटर का खुद का हमें पता नहीं चलता है, और जिसका वाटर से भी कम रहेगा तो उसका तो और पता नहीं चलेगा। समझा कि नहीं? अच्छे से ये बात आपको ध्यान रखना है। तो इलेक्ट्रोलाइट्स ऐसी चीजें होती हैं जिसकी कंडक्टिविटी, यानी जिनके अंदर पॉजिटिव और निगेटिव आयन्स के मूवमेंट करने की क्षमता, मूव करने की एबिलिटी, वही तो कंडक्टिविटी है आपकी। आगे चल के इसके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये जो कंडक्टिविटी है, कंडक्ट होने की पावर किसकी, पॉजिटिव और निगेटिव आयन्स की, तो ये ज्यादा होती है वाटर के आयन्स से, इसीलिए इसकी कनेक्टिविटी ज्यादा है। सो ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस करते हैं और ज्यादा करंट प्रोड्यूस करते हैं, जैसे कि एग्जांपल के लिए HCl और NaCl, ये Na प्लस Cl माइनस ज्यादा जल्दी जल्दी मूव करते हैं, तो इन्हें हम इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं। इन द केस ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स, जो वाटर होता है ना, वाटर से भी कम इन आयन्स के मूव करने की क्षमता कम होती है, यानी एबिलिटी बहुत कम होती है, ठीक है। जो क्योंकि वाटर से भी कम, जैसे सुक्रोज हो गया, यूरिया हो गया, इन सभी की कंडक्टिविटी बहुत कम होती है, वाटर से भी कम होती है, इसके लिए इनमें से कभी भी इलेक्ट्रिसिटी पास आप नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो ये होते हैं नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स, ओके माय डियर। यहाँ पे भी आप वही देख लो कि आपके पास NaCl है, जो कि आपका एक आयोनिक कंपाउंड है, इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे ब्रेक होकर ये इलेक्ट्रोलाइट्स बना देगा, तो ये Na प्लस Cl माइनस आर दी इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है। बट वही अगर आप यूरिया या सुक्रोज यूज करो तो दे आर दी नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स, जिनमें से कभी भी आयन्स का मूवमेंट होता ही नहीं है, और जब आयन्स मूव नहीं होंगे तो फिर कैसे आप आयोनिक कनेक्टिविटी कर सकते हो, यानी कि आयोनिक कनेक्टिविटी क्यों करते जानते हो ना, क्योंकि केमिकल के थ्रू जब हमको इलेक्ट्रिसिटी बनाना हो, केमिकल के थ्रू, जैसे NaCl है, MgCl है, HCl है, इनके थ्रू जब हमको इलेक्ट्रिसिटी बनानी हो तब हम आयोनिक कंडक्टिविटी करते हैं, और जब हमको डायरेक्टली भाई आयोन्स में से बनाना हो, यानी कि मतलब इलेक्ट्रॉन्स में से बनाना हो, यानी कि आयरन से या फिर कोई भी आपके पास एलिमेंट्स है, मेटल है, मेटल में से बनाना हो, तो फिर यहाँ कर लो मेटालिक कंडक्टिविटी कर लो, जो कि हमारे घर में नॉर्मली चलता भी है। बट आयोनिक कंडक्टिविटी हमारी बैटरीज वगैरह इन सब में ज्यादा इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो ये आपको पता करके रखना अच्छे से, ठीक है। सो इसके लिए हम लोग दोनों का इस्तेमाल करते हैं। आयोनिक कंडक्टिविटी हमारे घर में बैटरीज और पावर को रिजर्व करने में हेल्प करता है, बट मेटालिक कनेक्टिविटी हमें कंटिन्यूअस पावर देता है, जैसे कि अपने घर में जो लाइट्स आती है ना उसके थ्रू, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको जान के रखनी है, दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आयोनिक कनेक्टिविटी की किसी ने पूछा तो क्या बताओगे, आयोनिक कनेक्टिविटी में इलेक्ट्रॉन्स यानी कि जो आयन्स होते हैं पॉजिटिव निगेटिव आयन्स, उनका मूवमेंट होता है तब जाके हमको इलेक्ट्रिसिटी मिलती है, और वो मूवमेंट कौन करते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स करते हैं। और मेटल्स में क्या होता है, मेटल्स में हमेशा याद रखना कि डायरेक्टली इलेक्ट्रॉन्स का ही मूवमेंट होता है इनसाइड द एलिमेंट, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनका मूवमेंट होता है। दोनों कॉन्सेप्ट आपको आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अब चलो हम आगे बढ़ते हैं अपना एक्चुअल पार्ट, जो कि हमारा अभी तक तो हमारा पूरा बेसिक वगैरह अच्छे से क्लियर हो चुका है, अब बहुत मजा आएगा पढ़ने में, ठीक है। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस क्या होता है ये हमको समझना है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस को हम जी से रिप्रेजेंट करते हैं, पहले यहां पे सुनो पहले, हाँ इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस क्या होता है। मैंने एक एक चीज आपकी बुक में बहुत कॉम्प्लेक्स कर दिया है, इस वीडियो को पूरा देख लो ना तो एकदम चमक जाओगे आप, ठीक है। देखो यहां पे समझो पहले, सबसे अच्छी बात है इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस जी होता है, और ये रेसिप्रोकल ऑफ द रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस होता है ये रेजिस्टेंस। देखो मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे आपको एक चीज समझाता हूँ। देखो जब ये इलेक्ट्रॉन भाग रहे थे तो ये एटम्स यहाँ पे बैठा ना बीच में, ये एटम क्या करते हैं, यानी मॉलिक्यूल्स, एटम्स, आयन्स, ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को फ्लो होने से रोकते हैं, स्टॉप करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो होने से स्टॉप करते हैं, और यही रेजिस्टेंस, यही जो रेजिस्टेंस प्रोड्यूस्ड बाय द एटम्स, आयन्स और मॉलिक्यूल्स इनसाइड द एलिमेंट, जो कि रेजिस्ट करता है टू द फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रॉन, उसी को हम रेजिस्टेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, इसी को हम रेजिस्टेंस कहते हैं, यानी कि कभी कभी तो हम ये भी कहते हैं हिंड्रेंस, एक इंग्लिश वर्ड होता है हिंड्रेंस, यानी कि हिंड्रेंस प्रोड्यूस्ड बाय द एटम्स, आयन्स, मॉलिक्यूल्स फॉर रेजिस्टिंग द फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इज नथिंग बट रेजिस्टेंस, जिसे हम आर से डिनोट करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा भाग ना पाए उसके लिए ये एटम उसे उसके रास्ते में आके रोकते हैं, जैसे हम यहां से निगेटिव पोटेंशियल देंगे तो इलेक्ट्रॉन भागने लगेगा, और जब भागेगा तो ये एटम बीच में आते हैं और इससे अपना इलेक्ट्रॉन भाग नहीं पाता, इसी चीज को हम क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस कहते हैं।
रेजिस्टेंस समझ गया अच्छे से, कभी भी आप तक ये आपको किसी ने बताया नहीं होगा, बट आज आप जान चुकी हो। ठीक है चलो, तो अब देखो यहाँ पे रेजिस्टेंस का उल्टा होता है इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस। समझ गया कितनी चिंदी सी बात है, कभी भूलोगे क्या आप? रेसिप्रोकल मतलब उल्टा, ठीक है। तो रेजिस्टेंस का उल्टा होता है आपका इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस। पहले जान लो रेजिस्टेंस क्या है। तो हमने नाइन्थ में पढ़ा था ओहम्स लॉ, क्या पढ़ा था नाइन्थ में? ओहम्स लॉ के बारे में हमने पढ़ा था, जो कि हमें V इक्वल टू आई आर मिला था, जिसमें से R की वैल्यू V अपॉन I आई थी, वेयर V इज द पोटेंशियल डिफरेंस एंड I इज द करंट। यूनिट बता देता हूं मैं आपको शॉर्ट में, I की यूनिट एम्पियर होती है और पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट वोल्ट होती है और रेजिस्टेंस की यूनिट ओहम होती है। ये साइन आपका ओहम का होता है सिंबॉल, ठीक है, ओहम का सिंबॉल होता है ये, ठीक है, ओहम ऐसा हम बनाते हैं, ओके, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ये ओहम है, ओहम, कोई कोई ओम बोलता है, कोई कोई ओम बोलता है, आपको जो बोलना है बोलो, ठीक है, ये आपको समझ के रखना है, ओके माय डियर, अच्छे से आपको इसको जान के रखो, बहुत ज्यादा जरूरी है। तो यही जो रेजिस्टेंस है ना, यही रेजिस्टेंस का उल्टा, देखो ना, रेसिप्रोकल ऑफ द रेजिस्टेंस, रेसिप्रोकल मतलब वन अपॉन, अगर मैंने बोला रेसिप्रोकल ऑफ ए क्या होगा, तो आप क्या करोगे, वन अपॉन ए कर देना, रेसिप्रोकल ऑफ बी तो वन अपॉन बी, समझा? तो रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस मतलब वन अपॉन आर, वही आपका इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस होता है, यानी जी, जी इज इक्वल टू वन अपॉन आर हो जाएगा, समझा अच्छे से? और आर की यूनिट क्या होती है? ओहम होती है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि वन अपॉन ओहम ये यूनिट हो गई, इसको ऊपर लेके जाऊंगा तो क्या बन जाएगा, ओहम माइनस वन ये बन जाएगा। तो ये आपका क्या हो गया, आपका इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस बन जाएगा, ये ओहम माइनस वन क्या बन जाएगा, कंडक्टेंस, यही है। इसको कभी कभी हम सीमेन भी कहते हैं, क्या कहते हैं, सीमेन। ये एक साइंटिस्ट का नाम था एस, याद रखो, एस से रिनोट करते हैं। एक चीज याद रखना, एस का मतलब पर ओहम होता है, इसे हम क्या रीड करते हैं, पर ओहम, ठीक है, यानी वन अपॉन ओहम, पर ओहम मतलब वन अपॉन ओहम, जान रहे हो ना कैसे आया, आर की यूनिट ओहम होती है, तो पर ओहम या सीमेन भी आप कह सकते हो। चलो ठीक है, आपको ये समझ चुका है, आगे बढ़ो अभी, ठीक है। रेजिस्टिविटी क्या होती है ये भी जान लो, ये भी आपने नाइन्थ में पढ़ा है, ये भी आपको दिया हुआ है। तो रेजिस्टिविटी को तो भाई पहले मैंने एकदम अच्छे से लिख के दिखाया है, आपकी बुक में ऐसा नहीं दिया है, तो प्लीज तभी समझेगा जब आपको मैं यहाँ पे समझाऊंगा। तो रेजिस्टिविटी को हम रो से दिखाते हैं, रो, आर एच रो, रो ये साइन होता है, ये सिंबल है आपका रो, ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ये रो का सिंबल है, जिसे हम रेजिस्टिविटी कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं, रेजिस्टिविटी। ये होती क्या, पहले ये जानो, सपोज दैट यू हैव अ वायर, ये आपका वायर है, इस वायर का लेंथ एल है, ठीक है, और इस जो ये वाला एरिया ना, इसे हम क्रॉस सेक्शन कहते हैं, ये एरिया, वायर का एरिया ए, और ये पूरा लेंथ है, वायर का ये पूरा लेंथ है, ओके, ये आपको अच्छे समझ के रखना है, ये आपका एरिया हो गया, ये लेंथ है, ठीक है, ये आपको जान के रखना है, ठीक है। तो गाइस अब यहाँ पे थोड़ा सा फोकस करो, रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस कभी भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, लेंथ के। चलो मैं थोड़ा प्रोपोर्शनलिटी के बारे में आपको सिखा देता हूँ। गाइस अगर मैं बोलूँ कि ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी, और अगर मैं बोलूँ कि, बहुत लोगों को ये नहीं पता होता है, अगर मैं बोलूँ ए इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बी, तो ये मैं इसको कैसे रीड करूंगा जानते हो, इसको रीड करूंगा कि ए इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बी, ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन होता है, ठीक है, प्रोपोर्शनल टू बी, इसको क्या पढ़ूंगा, ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी। इन दोनों का मीनिंग क्या होता है, बहुत सारे को पता होगा, तो मैं यहाँ पे जिसको नहीं पता उसके लिए बता रहा हूं, अगर बी की वैल्यू इंक्रीज होगी तो यहाँ पे ए की वैल्यू भी इंक्रीज होगी, ठीक है, बट अगर इन द केस ऑफ, अगर यहाँ पे बी की वैल्यू डिक्रीज होगी तो यहाँ पे ए की वैल्यू भी क्या होगी, डिक्रीज होगी, बट इन दिस केस अगर बी की वैल्यू इंक्रीज होगी तो यहाँ पे ए की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी, ठीक है, इसीलिए हम इसी को रिलेट करने के लिए यूज करते हैं। और अगर बी की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, डिक्रीज होगी, तो यहाँ पे ए की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज होगी। ये इनवर्सली का मतलब होता है, ये डायरेक्टली का मतलब होता है। हम कभी भी अगर इसको इक्वल साइन में लिखते हैं तो हम सीधा इक्वल लिख के एक कोई कॉन्स्टेंट और बी लिख देते हैं, इस साइन को हटा के हम ऐसा लिख सकते हैं। इन दिस केस क्या होगा, हम सीधा इक्वल लिख के और ये वन अपॉन बी ऐसा लिख देंगे सीधा। हम इसको और तरीके से दिखा सकते हैं, देखो कभी भी क्या लिखो, ए अपॉन बी इज इक्वल टू ए अपॉन बी लिखो, और अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो यहाँ पे वन टू, वन टू ऐसा लिख दो, ठीक है। और अगर समझ लो दो तरीके, यही यूज होता है और इसके अलावा कुछ यूज नहीं होगा आपके पूरे मैथ्स में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, आज जो बता रहा हूं हर जगह इस्तेमाल होते ही। इसमें क्या करोगे, ए अपॉन बी लिखो और ए अपॉन बी लिखो, ठीक है, इक्वल करो, इसमें लिखो वन अपॉन टू बट इसमें लिखो टू अपॉन वन, समझा? बस यही दो तरीके होते हैं दिखाने के, बस यही आपका प्रोपोर्शनलिटी का फंडा कंप्लीट यहाँ पे। तो ये बातें आपको समझ के रखनी है। तो गाइज अब देखो, अगर मैंने लिखा यहाँ पे कि आर यानी रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द वायर, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर लेंथ ज्यादा रहेगा तो रेजिस्टेंस ज्यादा रहेगा। अब बड़ी वायर है तो रेजिस्टेंस ज्यादा ही रहेगा ना, क्योंकि रेजिस्टेंस किसके ऊपर डिपेंड होता है, अपने एटम्स के ऊपर, और एटम्स जिसमें ज्यादा रहेंगे तो इलेक्ट्रॉन को रोकने में और ज्यादा वो स्पीड बढ़ाएंगे अपनी,
ठीक है, और ज्यादा रोक पाएंगे, क्योंकि ज्यादा एटम रहेंगे तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा भाग नहीं पाएगा, ठीक है, यानी कि लेंथ ज्यादा तो रेजिस्टेंस ज्यादा। बट अगर एरिया, अगर आपकी जो एरिया है यानी कि विड्थ होती है जो वायर की, अगर वो विड्थ, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेजिस्टेंस, ये हमने नाइन्थ में सीखा था कि रेजिस्टेंस आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसको, एरिया को। तो अगर एरिया ज्यादा तो रेजिस्टेंस कम होता है, और अगर एरिया कम तो रेजिस्टेंस ज्यादा होता है, इनवर्सली का मतलब तो यही होता है ना। अभी अभी तो बताया आप, आपको ये भूलेगा तो फिर आप तो अब क्या बोलूं मैं आपके लिए, क्या कह सकता हूं आपको, सोचो ना यार, आप फिर नहीं पढ़ रहे हो आप लोग, ठीक है। सो पहली कंडीशन यही है कि R इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंडक्टिंग लेंथ ऑफ द कंडक्टिंग वायर जिसमें से आपका इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं, और R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, इसको दो बार क्यों लिखना, एक बार मैं दिखा सकता हूं, L अपॉन A, ऐसा एक बार लिख सकता हूं ना, RR तो सेम सेम है ना यार, इसको एक बार में मैं ऐसा लिख सकता हूं, ऐसा दिखा दिया। अब इस साइन को हटाना है तो यहां पे इक्वल टू K लिखना है। आपको एक बार सिखाता हूं, K के जगह में जरूरी नहीं कि K लिखोगे, मैंने K लिखे तो आप भी K लिखोगे, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन कुछ भी लिख सकते हो, आपके ऊपर है, समझा, बस कांस्टेंट उसका मतलब होता है, ये बात ध्यान रखना, आप सीधा कांस्टेंट वर्ड्स में भी लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ये साइन रो इस्तेमाल कर लिया, कांस्टेंट के जगह में हमने यहाँ पे रो साइन इस्तेमाल कर लिया, और इसी रो को हम रजिस्टिविटी कहते हैं, क्या कहते हैं, उसी रो को, यही रो को हम रजिस्टिविटी कहते हैं, दैट्स इट। और ये हो गया पूरा रिलेशन बिटवीन द रजिस्टिविटी एंड रजिस्टेंस, समझा अच्छे से। तो जो गाइस यहाँ पे लिखा ना, वही देखो हमने प्रूफ में यहाँ पे लिख के रखा है, पहला कंडीशन क्या है कि रेजिस्टेंस यानी आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द वायर, वही चीज मैंने यहाँ पे लिखा, पहला कंडीशन कंप्लीट, ठीक है, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द वायर, और इनवर्सली भी हम वन अपॉन में लिखते हैं, ठीक है, याद रखना अच्छे से। तो रेजिस्टेंस इज द इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया, ये हमने नाइन्थ में पढ़ा था, सोचो जरा आप लोग, नाइन्थ के चैप्टर नंबर 3 साइंस 1 में जाके देख लेना, हमने यही चीज पढ़ी है, आप चाहो तो जाके देख भी लो अच्छे से, अभी भी ओपन करके देख लो, ठीक है, ये वहां का कंडीशन है, नाइन्थ में दिया हुआ है, जाओ और देखो, अभी भी आप देख सकते हो, ठीक है। तो रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया, तो ये दोनों कंडीशन से हमने आपका रेजिस्टिविटी फाइंड कर दिया, ठीक है। चलो अभी हम आगे बढ़ते हैं, रेजिस्टिविटी हमको मिल चुकी है, थोड़ा सा हम अभी आगे बढ़ेंगे कंडक्टिविटी जानेंगे कि एग्जैक्टली भाई कंडक्टिविटी क्या होती है। तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या होती है, हमने अभी भी देखा था कि जी जो होता है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है, ओके, और रेजिस्टिविटी हमारा रो होता है, अब आपको याद रहेगा ना अच्छे से, कभी भूलेगा नहीं, मुझे भरोसा है आपके ऊपर, ठीक है। चलो और अभी अभी हमने देखा था कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी रेसिप्रोकल होती है आर की, यानी कि रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल ही इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है। सो इसका मतलब क्या हुआ कि आर जो भी था उसका उल्टा जी रहेगा, यानी कि अगर आर जो था डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ को, तो अपना जी क्या रहेगा, जी उसको इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहेगा लेंथ को। अगर अपना R इनवर्सली प्रोपोर्शनल था एरिया को, तो G क्या रहेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा एरिया को, समझा कि नहीं, यही रहेगा ना, यही रहेगा कि नहीं रहेगा यार, आप तो बच्चा भी समझेगा इसको। अगर अभी देखो G R का उल्टा है, तो अगर R लेंथ को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो G R को जो अगर R L को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो अपना G इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहेगा लेंथ को, समझा अच्छे से, तो ठीक है। चलो और अगर R अपना इनवर्सली प्रोपोर्शनल है अगर, तो अपना जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा, तो वही चीज तो मैंने यहाँ पे वर्डिंग्स में लिख के रखी है, ठीक है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है ये, ओ प्रोपोर्शनल 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 करके, बट आपको समझ तो गया ना अच्छे से। चलो तो जी वो बोलने में थोड़ा सा ये हो जाता है, ओके, तो यू कैन अंडरस्टैंड ना, तो जी इज द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एरिया, सिंपल सी बात है, क्योंकि अगर आर और जी का उल्टा का रिलेशन है ना, अगर आर इनवर्सली रहेगा एरिया को, तो जी डायरेक्टली रहेगा एरिया को, अगर आर डायरेक्टली रहेगा लेंथ को, तो जी इनवर्सली रहेगा लेंथ को, उल्टा, समझ गया ना। चलो तो यहाँ पे G इनवर्सली रहेगा लेंथ को और G डायरेक्टली रहेगा एरिया को, तो G इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एरिया एंड G इज द इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ, ठीक है। इन दोनों को मैं क्यों अलग अलग लिखा हूं, एक ही साथ में लिख देता हूं, तो G इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एरिया एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ, डायरेक्टली टू द एरिया, इनवर्सली टू द लेंथ। अब इस साइन को हटाना है तो क्या करूंगा, उस साइन को हटा के यहाँ पे के यूज कर लो, आप के लिखो, कुछ भी कर सकते हो, वो बुक वाले ने एक प्रॉपर डिनोशन अच्छे से दिया है, डिनोशन मतलब रिप्रेजेंट किया है, तो कभी कभी उसने रो से रिप्रेजेंट कर दिया, कभी कभी उसने के से रिप्रेजेंट कर दिया, तो आपको भी वही करना है, ठीक है। चलो यहाँ पे क्या आ जाएगा, जी इज इक्वल टू के ए अपॉन एल, तो ये हो गया इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस। किसी ने पूछा कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस का फॉर्मूला क्या होगा, तो बता देना जी इज इक्वल टू के ए अपॉन एल, और रेजिस्टेंस का पूछा तो क्या बताओगे, रेजिस्टेंस अगर आपसे किसी ने पूछ ले तो आप क्या बताओगे, ध्यान देना अच्छे से, तो आर इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या था, यहाँ पे मैं बगल में लिख देता हूं, आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए, ये आपका रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है, समझ गया अच्छे से, और ये आपका किसका फॉर्मूला है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस का फॉर्मूला है,
ठीक है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस किसके ऊपर डिपेंड होते हैं, मूवमेंट ऑफ आयंस के ऊपर, वही जो पॉजिटिव निगेटिव यानी इलेक्ट्रोलाइट्स के मूवमेंट के ऊपर। सो वेयर के इज द कंडक्टिविटी, एंड यहाँ पे जो रो मिला था कॉन्स्टेंट, ये दोनों कॉन्स्टेंट ही है, के और रो कॉन्स्टेंट है, ठीक है, और ये जी है, ये आर है, और जी और आर के बीच का रिलेशन इधर है, ये बात ध्यान रखना, जी आर का उल्टा होता है, ठीक है, मतलब जो आर है जी उल्टा होता है, एक दूसरे के बीच में उल्टे का रिलेशन है, यानी कि जी इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, ऐसा रीड करना इसको, ठीक है। चलो तो के मिल गया, कंडक्टिविटी समझ गया अच्छे से, तो आप यहां से के की वैल्यू निकाल सकते हो, वही ना यार, एल को जी के पास दे दो ए, तो ये आपका इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का फॉर्मूला बन गया, दैट्स इट। तो किसी ने पूछा व्हाट इज इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, तो आप बता देना कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ लेंथ एंड द इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस डिवाइडेड बाय द एरिया ऑफ द वायर, ठीक है, यही आपको पढ़ना है, ठीक है। चलो तो ये आपका सारी चीजें मिल गई, यानी कि के मतलब याद रखो, वर्ड्स का मीनिंग याद रखो, के मतलब कंडक्टिविटी, रो मतलब रेजिस्टिविटी, लेंथ मतलब एरिया, लेंथ मतलब लेंथ होता है, एल मतलब लेंथ होता है, ए मतलब एरिया, आर मतलब रेजिस्टेंस, समझ गया, जी मतलब इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस, ओके। तो ये सारी चीजें थोड़ा सा आपको याद रखनी पड़ेंगी, और कुछ नहीं, बहुत चिंदी है। चलो अब क्यों ना गाइस, ये रो और ये के, यानी ये के भी कॉन्स्टेंट ही होता है जिसका मतलब कंडक्टिविटी है, और ये रो भी कॉन्स्टेंट होता है जिसका मतलब रेजिस्टिविटी है, तो क्यों ना हम इन दोनों के बीच का रिलेशन एक फाइंड करें। इनका रिलेशन हमें ये जी और आर से मिलेगा, क्योंकि जी और आर एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, इन्हीं से हमें कुछ मिलेगी वैल्यू। चलो देखते हैं कैसे मिलेगा। तो रिलेशन बिटवीन रो एंड के, आपकी बुक में थोड़ा अजीब दिया है, एक ही बार में ये लिख दिया, यही रिलेशन आएगा, एक ही बार में ये लिख दिया है, मैं अच्छे से यहां पे करके दिखाऊंगा। तो वी नो दैट कि आर की वैल्यू हमें ये मिली थी, हमें पता था ना कि नहीं पता था ना अच्छे से, चलो, एंड जी की वैल्यू हमें ये मिली थी, इक्वेशन नंबर वन इसको देके रखो, ठीक है, चलो हमको ये मिली थी, एंड ऑल्सो वी नो दैट रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी एंड रेजिस्टेंस, ठीक है, इन दोनों के बीच में हमें रिलेशन पता है। सो हियर गाइस, देखो इसमें इस वैल्यू में ध्यान देना, यहां पे हम जी के जगह में क्या वन अपॉन आर लिख सकते हैं, यस मैडम ने लिख दिया, और के इक्वल टू ए अपॉन एल मिल जाएगा। चलो क्या मैं इसको इनवर्ट इंटो कर सकता हूं, इनवर्ट इंटो मंजे का है उल्टा कराई चाहिए, ठीक है, यानी कि डिनोमिनेटर की चीज न्यूमिनेटर में लेके जाओ और न्यूमिनेटर की चीज डिनोमिनेटर में लेके जाओ, तो के अपॉन में कुछ नहीं तो वन है, तो यहां पर जब आर को उल्टा करोगे तो आर का ऊपर जाएगा और आर के नीचे वन आ जाएगा, वन लिख के कोई फायदा होता नहीं है, और के नीचे वन है तो वन ऊपर जाएगा और के नीचे आ जाएगा, और यहाँ पे ए अपॉन एल है तो एल अपॉन ए हो जाएगा, जस्ट यहाँ पे हमने इनवर्ट एंडो कर दिया, मैं प्रूफ कर रहा हूं, आपकी बुक में डायरेक्टली ये लिख दिया है तो मुझे करके दिखाना पड़ेगा। सो ये आपको मिल जाएगा। अब जब आपको ये मिल गया तो अभी मैं लिख के नहीं दिखाऊंगा बार बार, ठीक है, ये आप मैं हटा देता हूं, ठीक है, इतना आपको अच्छा लगेगा, ठीक है। अब देखो, अब आर की वैल्यू क्या है, आर की वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन नंबर वन रो एल अपॉन ए मिली है, सो यहां पे रो एल अपॉन ए रख दिया। अब देखो जरा, ये एल अपॉन ए दोनों का इक्वल इक्वल है, देखो ये एल अपॉन ए रो आर के जगह में हमने इक्वेशन नंबर वन से ही लिख दिया, फ्रॉम इक्वेशन नंबर वन ये लिख दिया, एल अपॉन ए कैंसिल, क्या मिलेगा, रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू वन अपॉन कंडक्टिविटी। सो यहां से अगर के को इधर लिखो तो कंडक्टिविटी इज इक्वल टू वन अपॉन रेजिस्टिविटी, मिल गया रिलेशन दोनों के बीच में। सो कंडक्टिविटी इज इक्वल टू वन अपॉन रेजिस्टिविटी, यानी कि कंडक्टिविटी इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी, समझ गया अच्छे से मेरी बातें, तो ये बातें आपको समझ के रखनी है, तो कंफ्यूज नहीं होना, ये आपका रेजिस्टेंस है, ये आपका इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस है, दोनों का फॉर्मूला आपको दिख रहा है, और इन दोनों रेजिस्टेंस और कंडक्टेंस के बीच में रिलेशन क्या है, तो रेजिस्टेंस और कंडक्टेंस के बीच में रिलेशन जी इज इक्वल टू वन अपॉन आर का है, ठीक है, और ये जो रेजिस्टिविटी है और ये जो कंडक्टिविटी है, ये कंडक्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टिविटी है, ये आपकी कंडक्टिविटी है, तो रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी के बीच में रिलेशन क्या है कि आपका हुआ, ये आपके सामने लिखा हुआ है, कंडक्टिविटी इज इक्वल टू रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल, दैट्स इट, ठीक है, आपको समझ चुका अच्छे से, कोई डाउट नहीं होगा आई थिंक। चलो आगे बढ़ लो, यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी के बारे में जान लो कि इसकी यूनिट्स क्या होती है, तो कभी भी याद रखना, एसआई यूनिट ऑफ द लेंथ मीटर होती है, कॉमन यूनिट नॉर्मली हम सेंटीमीटर यूज क्या करेंगे इस चैप्टर में, एरिया मीटर स्क्वायर होता है, किसी भी चीज का एरिया अगर आप देखते हो तो मीटर स्क्वायर लिखते हो ना, अगर नॉर्मल एरिया देखो तो सेंटीमीटर क्यूब, रेजिस्टेंस का यूनिट ओहम, ओहम ही इस्तेमाल करना है, कंडक्टिविटी के लिए आप चाहो तो नॉर्मली पर ओहम पर मीटर इस्तेमाल करो, या तो फिर सीमेन पर मीटर इस्तेमाल करो, या तो फिर ओहम पर सेंटीमीटर इस्तेमाल करो कंडक्टिविटी के लिए, तो ये आपके ऊपर सारी चीजें, आप क्या इस्तेमाल करते हो। कंडक्टिविटी की यूनिट कैसे आई अगर आपको जानना है तो चलो देख लो, यहाँ पे कंडक्टिविटी की यूनिट तो कैसे होता है, कंडक्टिविटी जी के पास होती है, तो के इज इक्वल टू आपके पास ए अपॉन एल आ जाएगा, ठीक है। चलो इसको निकालते हैं, तो पहले के की वैल्यू तो निकालो, सो के इज इक्वल टू
एल जी अपॉन ए ऐसे आपको मिल जाएगा, ठीक है, ऐसे आपको मिल जाएगा। चलो अभी हमने देखा था कि G क्या होता है, 1/R होता है, ठीक है, 1/R की यूनिट क्या होती है, ओहम, यानी कि G की यूनिट क्या हो गई, पर ओहम, ठीक है, पर ओहम होती है, ये बात ध्यान रखना। चलो लेंथ की यूनिट है मीटर, जी की यूनिट क्या मिली, पर ओहम मिल गई, और एरिया की यूनिट क्या है, मीटर का स्क्वायर, ठीक है। चलो इसको काट दो एक से, चलो काट दो, तो ये ओहम पर मीटर और यहाँ पे मीटर ओनली बचेगा। इस अगर इस मीटर को ऊपर लेके जाऊं तो क्या मिलेगा, ओहम पर मीटर और मीटर माइनस वन, ठीक है, यही मिलेगा ना। देखो यही है क्या यूनिट यहाँ पे, किधर गया भाई, देखो यही लिखा है क्या, यही लिखा है क्या यहाँ पे, आप देख सकते हो अच्छे से, यही लिखा है क्या, यस माय डियर। अब आप मीटर को आप सेंटीमीटर में लेते हो तो ये आ जाएगा, दैट्स इट। तो इस तरीके से आपको यूनिट निकालनी है, ठीक है। तो बस पहले फॉर्मूला अच्छे से बना लेने का, अगर कंडक्टिविटी मतलब के होता है, अगर यही आपसे रेजिस्टिविटी पूछा होता तो आप क्या लेते, तो रेजिस्टिविटी आर से मिलता है, रो एल अपॉन ए फॉर्मूला होता है रो, तो आप रो को निकालो यहाँ पे, रो इज इक्वल टू आर ए अपॉन एल आ जाएगा, समझ रहे हो ना। और आर की यूनिट ओहम होती है, और एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर, और लेंथ की यूनिट मीटर होती है, मीटर से मीटर कैंसिल, तो ये ओहम मीटर, ये हो गई आपकी रेजिस्टिविटी की यूनिट, ये हो गई आपकी कंडक्टिविटी की यूनिट। तो इस तरीके से आपको अच्छे से वैल्यू बाहर निकालनी है। एक्चुअली यहाँ पे ये रॉन्ग लिख के रखा है रेजिस्टिविटी की यूनिट, ये तो फिलहाल रेजिस्टेंस है, फिलहाल ये रेजिस्टेंस है, ठीक है, रेजिस्टिविटी की मैं बात कर रहा था, ठीक है, एक्चुअली करेक्ट है, करेक्ट है, करेक्ट है, क्योंकि देखो ना मैंने यहाँ पे लिख दिया ना, इसलिए दिख नहीं रहा होगा, देखो यहाँ पे ये आपका रेजिस्टेंस लिखा हुआ है, ये परफेक्ट यूनिट है, बट मैंने यहाँ पे किसकी फाइंड किया है, रेजिस्टिविटी की, तो ये ओहम मीटर होता है, ओहम मीटर, बट इन द केस ऑफ कंडक्टिविटी तो कंडक्टिविटी की पर ओहम पर मीटर होता है, ठीक है। आप इस तरीके से भी निकाल सकते हो, और अगर आपको मान, एक तरीका और दिखाता हूं मैं आपको, ठीक है, यूनिट निकालने का तरीका, ठीक है, आप ऐसा भी निकाल सकते थे, वी नो दैट कि कंडक्टिविटी इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी, मतलब रेजिस्टिविटी मतलब ऐसा साइन रेजिस्टिविटी, और हम लोग को पता है कि कंडक्टिविटी की यूनिट क्या मिली है, पर ओहम पर मीटर, सो यहां पे लिख दो ना यार कि पर ओहम, आप ऐसा लिख सकते हो कि पर ओहम पर मीटर इज इक्वल टू 1/ρ, सो रो इज इक्वल टू 1/ पर ओहम और पर मीटर ऐसा, और इसको ऊपर लेके जाओगे जब, तो ये ओहम पर ओहम मीटर आ जाएगा, दैट्स इट। तो आप एक ही बार में यहां से भी निकाल सकते हो, इट्स योर चॉइस आपको कैसे निकालना है, मैंने बहुत सारे तरीके बता दिए, एक से दो बार इस वीडियो को रिवाइंड करोगे तो सब अच्छे से आपको समझ जाएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, आगे चल के हम लोग बहुत ही अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं, मोलार कंडक्टिविटी के बारे में हम पढ़ेंगे, वीडियो ऑलरेडी थोड़ा सा बड़ा हो गया है बट मजा तो आया है आपको पढ़ने में, एंड आई होप कि आपको बहुत अच्छे तरीके से समझा भी है, ठीक है। तो पूरी वीडियो को अच्छे से वॉच किया करो, और कोई भी डाउट रहे तो कमेंट बॉक्स में बताओ, मैं आंसर देता हूं, ठीक है। तो ये बातें ध्यान रखना अच्छे से, चलो तो यहाँ पे कॉन्टेक्ट करो, यहाँ पे कॉन्टेक्ट करो यार, थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दे देना, ठीक है, सब्सक्राइब करोगे आप लोग, अगर आप तक अभी आपने नहीं किया है तो करोगे ही, लाइक जरूर कर देना यार, ठीक है, यही तो आप सबका सपोर्ट है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक्स अ लॉट, बाय।